अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 2 × 3 के एक्सपोनेंट पावर एक्स प्लस 9 के एक्सपोनेंट पावर 7 इक्वल टू 27 के एक्सपोनेंट पावर 5। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 3 के एक्सपोनेंट पावर एक्स मल्टीप्लाई 9 की एक्सपोनेंट पावर 7 इक्वल टू 27 के एक्सपोनेंट पावर 5। तो सबसे पहले ये देखिए, ये प्लस हो रही है, माइनस हो जाएगी। 2 × 3 के एक्सपोनेंट पावर एक्स इक्वल टू 27 की एक्सपोनेंट पावर 5 माइनस 9 के एक्सपोनेंट पावर 7। अब इनको माइनस करते हैं, सबसे पहले इनकी बेस को सेम करते हैं। तो जैसे ये 2 × 3 के एक्सपोनेंट पावर एक्स, हम 27 को लिख सकते हैं 3 के एक्सपोनेंट पावर 3 और एक्सपोनेंट पावर 5 माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 के एक्सपोनेंट पावर 2 और होल पावर 7। क्लियर होगा स्टूडेंट? ये 2 × 3 के एक्सपोनेंट पावर एक्स इक्वल टू 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 की 15 आ जाएगा, माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 14 आ जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो 2 × 3 के एक्सपोनेंट पावर एक्स इक्वल टू, तो स्टूडेंट जो लेस रकम होती है वो कॉमन आ जाती है, तो 3 की 14 कॉमन आ जाएगा। तो ये देखें, ये 3 की 15 है 3, और इसकी जगह 1 आ जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ये देखें, ये 2 × 3 के एक्सपोनेंट पावर एक्स इक्वल टू 3 के एक्सपोनेंट पावर 14, 3 − 1 इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये देखें, ये भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी, ये आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 के एक्सपोनेंट पावर एक्स इक्वल टू 3 के एक्सपोनेंट पावर किसके आ जाएगा, 14 के आ जाएगा। तो ये देखें, ये दोनों की बेस सेम है, इसको आप इसमें कैंसिल कर लें तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 14 आ जाएगी। तो स्टूडेंट आप, हम इसको प्रूव करते हैं। इक्वेशन बिकम्स तो स्टूडेंट इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन आपके पास है 2 × 3 की एक्सपोनेंट पावर एक्स प्लस 9 की 7 इक्वल टू 27 की एक्सपोनेंट पावर 5। क्लियर होगा स्टूडेंट? ये देखें, जहाँ एक्स है वहाँ 14 को पुट कर देते हैं। जैसे ये देखें, ये 2 × 3 के एक्सपोनेंट पावर एक्स प्लस 9 की 7 इक्वल टू 27 की एक्सपोनेंट पावर 5। तो एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 2 × 3 के एक्सपोनेंट पावर 14 प्लस 9 के एक्सपोनेंट पावर 7 इक्वल टू 27 के एक्सपोनेंट पावर 5। तो अब हम इनको ब्रेक करते हैं, इनकी बेस सेम करते हैं। जैसे ये देखिए, ये 2 × 3 के एक्सपोनेंट पावर 14 प्लस ये 3 की पावर 2 एक्सपोनेंट पावर 7 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 एक्सपोनेंट पावर 5। क्लियर होगा स्टूडेंट? ये देखिए, ये 2 × 3 के एक्सपोनेंट पावर 14 प्लस ये देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 की कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा इक्वल टू 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये देखें, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इनको कॉमन ले लें। ये देखिए, 3 की 14 कॉमन आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये देखें, ये 2 और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू 3 के एक्सपोनेंट पावर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इन दोनों को प्लस करें तो 3 के एक्सपोनेंट पावर 14 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 के एक्सपोनेंट पावर 15। तो स्टूडेंट ये देखिए, इन दोनों की बेस सेम है, इनकी पावर को ऐड कर लें तो ये देखें, 3 की एक्सपोनेंट पावर 14 प्लस 1 इक्वल टू 3 की एक्सपोनेंट पावर 15। जब इनको ऐड करेंगे तो 3 की 15 इक्वल टू 3 की 15 के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को मज़ीद शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।